about 3 minutes after he put it up here. Thank you.
भाई आ जाएगा डॉक्टर नरेंद्र सिंह। और आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप पेंटिंग करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र सिंह है और मैं मुरादाबाद से हूँ और एक लंबे समय से पेंटिंग कर रहा हूँ और मेरा प्रोफेशन भी मैं टीचिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ पेंटिंग। आज जहांगीर आर्ट गैलरी में हमारी एग्जीबिशन शुरू हो रही है, इसका विषय है अर्बन लाइफ। इसमें जो है आम जनजीवन को पेंट किया हुआ है, जो रोज़मर्रा का जीवन है, भाई बाजार हो गया या रिक्शा हो गया इस तरह से, और सिनेमा हो गया इस तरह से, बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे जो आसपास जो हैं उन्हें इस जो है पेंटिंग्स में, अपने पेंटिंग में मैंने बनाया हुआ है। और इस पेंटिंग को जो है, जो इससे धनराशि आएगी उसे केरला रिलीफ फंड में डोनेट करेंगे। ये जो है इस पेंटिंग का लक्ष्य है, इस एग्जीबिशन का लक्ष्य है कि इसे डोनेट करने के लिए केरला रिलीफ फंड के लिए। सब पेंटिंग की जो आपने कब से शुरुआत की, थोड़ा सा भी बताइए, और अपने कॉलेज में आप पेंटिंग सिखाते हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है बच्चों के साथ, वो बताइए थोड़ा। पेंटिंग तो ये बचपन से हमारा जो है एक रहा है, पेंटिंग बचपन से ही कर रहा हूँ और करते करते अब मैं टीचर भी हूँ तो स्टूडेंट के साथ भी एक जो है एक दोस्ताना जो है तौर तरीका जो है रहता है उन्हें सिखाने का, बताने का, क्योंकि जो है जब तक एक फ्रेंड बिल्कुल दोस्ताना माहौल नहीं होगा या पढ़ाने का बिल्कुल जो है, क्योंकि पेंटिंग जो है बहुत ऐसा विषय है जिसे बहुत आनंद के साथ, बहुत मन के साथ करने का विषय है, बहुत डिवोशन का विषय है। तो डिवोशन जब आता है वो धीरे धीरे जो है काम करते करते और जो है समाज को देखते देखते, और हम जो है कलाकारों को जो है, कलाकार जो है समाज को देख के वहीं से कुछ विषयों को उठाते हैं, उसी को कैनवस पे थ्रो करते हैं। सर आज का जो विषय है अर्बन, आप क्या दिखाना चाहते हैं इस पेंटिंग के द्वारा, आप किस विषय में आप अर्बन की समस्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप? पेंटिंग में कोई समस्या पे, कला कोई समस्या दिखाने का माध्यम नहीं है, लेकिन कला समाज के लिए है और समाज में जो घटित हो रहा है, जैसा दिख रहा है, जैसा रहन सहन है, कल्चर है, उसे दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि कला ही जो है हमारे सभ्यताओं का जो है पूरा प्रतिबिंब है। तो आप किसी भी सभ्यता को लेंगे तो उसे कला से ही मापते हैं, आप चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता लें, मेसोपोटामिया की सभ्यता लें, मिस्र की लें, तो ये सब कलाएं जो हैं, वहाँ की सभ्यताएं जो हैं कलाओं से ही मापी जाती हैं। तो वो आज का समय जो है उसी को पेंट करना ही हमारा ध्येय है, उसे पेंट कर रहे हैं। ये तो समाज से इंस्पायर होके जो है पेंट कर रहे हैं, जो यहाँ पे समाज है उसका जो है। हाँ, वो बहुत तीन चलाने के बाद देखते हैं, तीन चलाएंगे हम सर, चलिए टाइम है तीन चलाने का, थोड़ा सा ठीक है।
this for the flood relief. Who spent money on this? Who's sponsored? ओके सर, आज आप इस आर्ट गैलरी में आए, सर की पेंटिंग किस तरह से लगी आपको कुछ बताना? मैं आज जहांगीर आर्ट गैलरी में आया हूँ नरेंद्र जी की कुछ अर्बन लाइफ पे पेंटिंग बनाई उन्होंने, जो कि बड़ी फुल ऑफ लाइफ है, डिटेल्ड है और बड़ा अच्छा क्रिटिकल काम किया है। मैं तो जैसलमेर में था और इनकी कला और इनके प्यार में हमको बुलाया है, थमाया है और इसके पीछे एक अच्छा कॉज भी है। एक केरला में आई थी तो जितना भी प्रॉफिट्स हैं इन्होंने उसके डोनेट करने के लिए बोला है। एंड मैं चाहता हूँ कि लोग अच्छे अच्छे दाम देखे और इनकी पेंटिंग्स खरीदे ताकि ये कुछ की सेवा भी कर सके और उसको इनकरेजमेंट मिले। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड बड़े वाइब्रेंट कलर्स हैं, बड़े अच्छे हैं, किसी भी टाइप की डेकोरेशन में ये फिट हो सकता है। किसी भी दीवार पे आप पेंटिंग को लगा सकते हैं, स्पेशली इन पेंटिंग्स के लिए अलग अलग दीवार ढूंढनी पड़ेगी आपको, तो बड़ा अच्छा लगा देखो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सर, छोटे छोटे शहर के लोग इतने बड़े लेवल पर आके यहाँ पर अपने एग्जीबिशन करना, आप किस तरह से इन्हें प्रोत्साहन? प्रोत्साहन तो यही है, देखिए इन्होंने मुझे बुलाया, मैं आया ना, अब ढाई घंटे एक तरफ से गाड़ी चला के जा रहा है, ऊपर ढाई घंटे वापस जा रहा है और टॉर्चर से, तो प्रोत्साहन तो यही है ना। हम गुड विशेज हैं, हमारी दुआ है कि उनकी पेंटिंग्स लोगों को पसंद आए, ये सब लोग खरीदें और ये उसमें से जो प्रॉफिट है ये अच्छे कॉज के लिए दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऊपर वाला इनकी जो इच्छा है पूरी करें। सर, आप कुछ ऐड करना चाहिए? इतने बड़े बॉलीवुड के एक्टर यहाँ पर पहुँचे, आपको प्रोत्साहन कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े अपना सभी बिजी शेड्यूल। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप आए हैं हमारी एग्जीबिशन में और हमारे एग्जीबिशन का मान बढ़ाया है और इसलिए जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैसेज भी दिया है लोगों को कि यहाँ पर आगे तक रिलीव के लिए जो है इस पेंटिंग को खरीदें और जो है फ्रेश रिलीफ के लिए हम डोनेट कर सकें। ये जो है हमारा जो कॉज है उसमें सहभागिता आपकी रही, इसके लिए बहुत धन्यवाद। पेंटिंग भी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, बहुत फ्रेश लग रही है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग सर, आप बॉलीवुड में इन दिनों लगातार बात हो रही है नाना पाटेकर धनुष जी के ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये गॉसिप की बात नहीं है, कुछ नहीं कहना चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके।
इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे फिगर्स हैं इसमें, यू नो,
जी एक एक फिगर में, क्योंकि एक फिगर बनाते हैं तो आप डिटेलिंग में जाते हैं, बट इतने फिगर्स बनाने में डिटेलिंग में जाना थोड़ी सी मुश्किल बात है, और इसलिए इसकी खूबसूरती है, और क्योंकि कंटेम्प्रेरी है, लाइफ बहुत कलरफुल है, तो इन्होंने पेंट कलर्स भी वैसे ही चुने हैं, और हमारी अर्बन लाइफ का बहुत स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस है, डाइवर्सिटी है, कि आप मुंह पे तो कपड़ा पहने हुए हैं और बॉडी आपने एकदम खुली छोड़ी हुई है, वो भी है, और कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है किसी गांधी जी की बहुत इंटरेस्टिंग लगी, सिर्फ स्मिता है मैंने देखा अभी, पीके का देखा बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ऑफकोर्स अच्छा लगा मुझे यार। जो भी आज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन पेंटिंग से वो केरला ये तो बहुत अच्छा कॉज है, और इसी वजह से मैंने बिल्कुल जैसे केरला की बात सुनी तो मैंने कहा कि मेरे और सारे कमिटमेंट थे इनफैक्ट बाहर जाने वाले, लेकिन केरला का सुन के मैंने कहा कि नहीं ये भी मेरा एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन, हम लोग ने और अलग से कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो अलग है, लेकिन ये एक तरह का मेरा आना यहाँ पे और इन पेंटिंग्स के साथ जुड़ना, ये एक मेरा अपनी तरफ का अपनी तरफ से। सर आप कुछ कहना चाहिए, मैम आई आज अपने बिजी शेड्यूल से, साइलेंस। हाँ बिजी शेड्यूल बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉज के लिए, केरला रिलीफमेंट के लिए कॉज के लिए मैम आई, और पेंटिंग के का जो है हमारा मनोबल बढ़ाया, पेंटिंग की सराहना की, पसंद आई, और ये जो है एक ऐसा काम है जो कि एक कलाकार होने के नाते दिल से जुड़ा काम है हमारा, और इसलिए हम जो है इस पेंटिंग को पूरा समर्पित किया है केरला रिलीफ फंड के लिए। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मैम, जस्ट वी वांट टू रिजेक्ट दी लॉट ऑफ टॉकिंग अबाउट द बॉलीवुड रिजेक्ट तनुश्री, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग मी टू मूवमेंट इज कंटिन्यूइंग टू इंक्रीजिंग एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस कमिंग आउट एंड स्पीकिंग अबाउट द नाना पाटेकर एंड मेनी अदर नाउ विकास बहल रिगार्डिंग, मुझे लगता है कि औरतों में अब जो अवेयरनेस आई है पहले ही आ जानी चाहिए थी, और ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है, मुझे लगता है कि डर के मारे सब छुपे रहते हैं, उसमें कुछ पता नहीं चला, मुझे लगता है तनुश्री ने आके ये एक अच्छा स्टेप लिया है, या आप मीडिया वालों ने उसका साथ दिया है, मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा स्टेप है जो आगे जाना चाहिए, यहाँ रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू।